ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मेरी बात तो सुनो। माँ मेरी बात तो सुनो। छुटकी माँ मेरी बात तो सुनो माँ प्लीज। छुटकी दरवाजा खोल। माँ दरवाजा खोलो। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। छुटकी माँ दरवाजा खोलिए प्लीज। छुटकी छुटकी दरवाजा खोल। माँ दरवाजा खोलो। छुटकी दरवाजा खोलना, मुझे टेंशन हो रही है। माँ देखो सब कितने परेशान हो रहे हैं, माँ प्लीज दरवाजा खोलो। छुटकी दरवाजा खोल दे। मासी मासी प्लीज परेशान मत होइए, माँ से मैं बात करता हूँ। पर क्या करेंगे राज? वो अपने बेटे से नाराज हैं, अपने बेटे से ही मानेंगे। दरवाजा प्लीज खोलिए। छुटकी राज एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूं। तेरी गोद में ही तो मेरा चैन और सुकून है। बचपन से लेकर आज तक तुम्ही ने तो गिरकर संभलना सिखाया है। मेरा सबसे बड़ा इनाम तो तू है मां। मां राज तू जीत गया। अपना चेहरा देख राज, कपड़े देख। मां वो छोड़ो, ये आपके लिए है। ये तेरी जीत का इनाम है। मां मेरा सबसे बड़ा इनाम तो आप ही हो। राज गलती हो गई मां, प्लीज गुस्सा मत करो। सॉरी मां। फोन कहाँ है? कैमरा ऑन करो। कान पकड़। अब इसे देखकर हमेशा याद रखना। जिसने पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी उससे और क्या मांगू। बदले में जो कुछ भी दुख दिया है उसकी सजा मांगू। माँ दरवाजा प्लीज खोलिए। छुटकी
नाराज क्यों माँ? प्लीज माँ, अब आइए, आओ ना माँ। सॉरी माँ, समझता हूँ कि आपको बहुत दुख हुआ। आपसे बिजनेस की बात छुपाई, पर मैं डर गया था माँ, डर गया था कि ये सब कर पाऊंगा कि नहीं, डर गया था कि आपकी जिंदगी की सारी मेहनत तो नहीं खराब कर दूंगा। पर फिर सोचा कि कैसे आपने बचपन में मेरे स्कूल बैग से लेकर मेरे स्कूल यूनिफॉर्म तक सब कुछ खुद से ला, कैसे आप कटे पुराने कपड़ों में जान डाल देती थी अपने टैलेंट से। लेकिन माँ, इतना टैलेंट होने के बाद भी आप सिर्फ एक मोहल्ले तक सीमित रह गई। बस वो ही मुझे बदलना है माँ। मेरा ये नया ऐप आपकी ही तरह इस देश के हर माँ के टैलेंट को सारे देश तक पहुंचाने का मौका देगा, उन्हें वो पंख देगा जिससे वो खुले आकाश में अपनी उड़ान भर सके। बस अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा। इनफैक्ट आज छोड़ने भी वाला था, पर आपको बिना बताए करना सही नहीं लगा, इसलिए अब तक रिजाइन नहीं किया मैं। मेरी बात सुनो माँ, अगर आपको अब भी लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो अभी इसी वक्त इस ऐप का ख्याल मैं अपने दिलो दिमाग से निकाल दूंगा और चुपचाप अपनी नौकरी करता रहूंगा, क्योंकि आपकी खुशी से बढ़कर मेरे कुछ भी नहीं है माँ। राज, मुझे चिंता तेरे फ्यूचर की है। ये ऐप पता नहीं कितना चलता है, क्या होता है। बेटा, तूने मेरे साथ एक उम्र भर का संघर्ष देख लिया है, ये और बोझ क्यों लेना। आपको मेरे लिए संघर्ष करना पड़ा, पर क्या मैं आपको कभी बोझ लगा? राज, कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे लिए अगर वो सब कुछ मुझे फिर से करना पड़े ना, मैं खुशी खुशी कर लूं। तू मेरी जिंदगी है, बोझ नहीं है। तो बस ये समझ लीजिए कि आप मेरी जिंदगी है। मानता हूं कि थोड़ा संघर्ष है, पर आप ही तो कहती हैं जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर इसी में तेरी खुशी है, ये ऐप ही अगर तेरा सपना है, तो जा अपना सपना पूरा कर, मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू मॉम। एक बात बोलूं माँ, दम आलू ठंडे अच्छे नहीं लगते। माँ आप प्लीज रोना बंद करो, चलो। तुझे पता है कितना डर गई थी मैं? चुटकी बचपन से यही आदत है तेरी, जब भी गुस्सा होती है तो नाक फुला के रूम में बंद हो जाती है। आखिर राज ने मना ही लिया ना तुझे। दीदी, इस दुनिया में मेरा राज ही तो है, मेरा बेटा जो मुझे मना सकता है। एक बात बोलूं मां,
इसमें तारा की कोई गलती नहीं है। ये बस चाहती थी कि आपको टेंशन ना हो। आपकी हेल्थ का ख्याल करके इसने कहा था कि अभी मत बताओ। इरादा गलत नहीं था तारा का। सॉरी बेटा, राज के झूठ के पीछे तुम्हारा जो प्यार और परवाह थी वो मैं समझ नहीं पाई। सॉरी तो मुझे तुमसे भी कहना है, इतना कुछ सुनने के बाद तुम चुप रही, पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं चाहती थी कि सच तुमसे आए, जो आ गया और मेरे लिए उतना ही काफी था। और वैसे भी मां से वो छुपाने वाली बात तो मैंने ही कही थी। बस उसके पीछे की वजह मां नहीं जानती थी। सोच लो राज, अपने करियर के इतने अच्छे मौके पर रेजिग्नेशन देकर कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे हो? गलत या सही का तो पता नहीं सर, बस दिल की कर रहा हूँ। पर मेरा दिल तो नहीं मानता कि मैं अपने सबसे वैल्यूएबल और मेहनती एम्प्लॉय को इस तरह जाने दूँ, इसलिए तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। 1 महीने तक मेरे टेबल पर रहेगा। इस बीच तुम्हारा कभी भी मन करे वापस आने का तो ये तुम्हारी अपनी कंपनी है और हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। राज, मेरी चॉकोबार बहुत अच्छी है, तेरी आइसक्रीम कैसी है? तुझे पता है नए रास्तों पर चलना, नए रास्ते बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे तुझ पे गर्व है। मेरा बेटा रास्तों की मुश्किलों से नहीं घबराता, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखता है। अब खा ले नहीं तो पूरी पिघल जाएगी। अरे आराम से, बहुत ठंडा है। साड़ी तो खत्म हो गई है, ये ले। ये देखिए माँ। राज, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा ऑफिस। एक सेकंड में आया। हाय तारा। अरे वाह, आपने ही ऑफिस आने में इतना टाइम लगा दिया। यार वो कुर्ते का बटन। अच्छा चल छोड़, तुझे माँ से मिलवाता हूँ। हाँ, हाँ। आजा। माँ। हाँ। मासी, ये रमेश है, मेरा बिजनेस पार्टनर। अच्छा जी, तेरा। नमस्ते। अरे नहीं नहीं, तुम अकेले आए, फैमिली से कोई नहीं? नहीं, वो एक्चुअली माँ। अरे इतना इम्पोर्टेंट ओकेजन है और तुम अपने परिवार को साथ नहीं लाए, ऐसे तो जमाना खराब हो जाएगा। मासी, वो मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती। हाय, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ नहीं रहती।
ऐसे तो जमाना मासी जमाना खराब नहीं होगा। लड़का हमारा सिंगल है, इसका काम के अलावा किसी और चीज में मन नहीं लगता, इसीलिए बेस्ट बिजनेस पार्टनर है। राज तुम्हारा ऑफिस बहुत सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। मुझे ना वो वाला केबिन देखना है। बिल्कुल दिखा दो माँ। Congrats भाई। Thanks bro। ऑफिस कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत अच्छा। कर सकते ऐसा कुछ कंपनी शंपनी टाइप्स, तुम बॉस और बॉसनी साहिबा। राज ने ना बहुत बड़ा रिस्क लिया है सेटअप करने के लिए, और हो सकता है फ्यूचर में राज और तारा को अपने खर्चे कम करने पड़े, तो तुम कर पाओगे बॉसनी साहिबा? तारा तारा दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? हो सकता है उसे मेरी जरूरत हो, मैं उसे देख कर आती। अरे कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत अच्छी। ऑफिस तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। हे भैया चलो सेल्फी हो जाए। श्योर। एक्चुअली ये सब राज की मेहनत है, तो दिख ही रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम यही रुको, मैं आती हूँ दो मिनट। हाँ थैंक यू। क्या हुआ, कोई टेंशन? अरे यार पंडित जी 10 बजे आने का बोला था, 11 बज गए हैं। टेंशन मत लो, आ जाएंगे पंडित जी, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन। ओके, ब्रीद आउट। 1 आज तुम इन कपड़ों में बहुत हॉट लग रहे हो। 2 ये तुम्हारी वर्क लाइफ का पहला दिन है, तो स्माइल। और 3 मम्मी पापा आ गए हैं, तुम उनको संभालो, मैं पंडित जी को संभालती हूँ। चलो। One second। तुम नहीं होती मेरी लाइफ में तो क्या होता? Go? नमस्ते पापा। खुश रहो, बहुत तरक्की करो। फोन पे जो तुम कह रहे थे कुछ ठीक से समझ नहीं आया, कुछ खुशखबरी की बातें कह रहे थे, इसलिए मैं ये फूल लेकर आ गया। सुंदर है, थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलाया आपको, फिर भी आप लोग आए। ऑनेस्टली मुझे लगा आप लोग नहीं आएंगे, उस दिन पूजा में नहीं आने का बदला लेंगे। अरे दामादों से बदला नहीं लिया जाता, उन्हें तो आशीर्वाद दिया जाता है। राहुल किस चीज का बिजनेस है? ऐप का स्टार्टअप है पापा, हाउसवाइफ्स को उनके टैलेंट के बेस पर घर से कमाने का मौका देंगे। अरे वाह। और इन्वेस्टमेंट का क्या, वो कहां से आएगा? हो गई पापा, मेरे पार्टनर रमेश और मैंने एक इन्वेस्टर ढूंढ लिया है, शुरू के 6 महीने के लिए सब कुछ प्लान है। पापा नमस्ते। बहुत बहुत मुबारक। आपको कैसा लगा राज का ऑफिस? अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, और भगवान ने चाहा तो इससे भी बड़ा ऑफिस होगा। बहुत बड़ा रिस्क है राज, मैनेज हो पाएगा? पापा पति पत्नी जब बराबरी के साथ कुछ करने निकले तो मैनेज हो ही जाता है। माँ 2 मिनट आई है ना, कुछ काम है, 1 सेकंड। हाँ कैसी हो माँ? एकदम ठीक हूँ।
कमर दर्द के लिए जो बेल्ट लाई थी वो लगा रहे हो ना? हाँ, बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत आराम मिलता है मुझे उससे। तारा, तुम और राज तो कुछ मुझे बोलोगे नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ। नया बिजनेस है, कोई भी दिक्कत हो, जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। दिक्कत तो है, आप हम दोनों की ऐसी टेंशन लेती रहेंगी, बीमार पड़ेंगी तो मेडिसिन लानी पड़ेंगी, बस यही दिक्कत है। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी और दामाद अपना सपना पूरा करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कदम लिया है, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, और जितना सपोर्ट मुझे चाहिए था वो आपने मुझे पहले ही दे दिया। ये ऐप मेरा सपना है पापा, जिसे तारा और मैं पूरा करने निकले हैं। आप सबके आशीर्वाद से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर होगी तो हम मिलके संभाल लेंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.